नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MS एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम एक रिक्वायरमेंट लेकर आ चुके हैं जो है महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडल, जो इसमें 7,000 पदों पर मेगा भर्ती निकल आ चुके हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं इसके लिए एज लिमिट, एजुकेशन लेवल और हमारी फिटनेस कितनी ज़रूरी है और क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। जो दोस्तों आज 7,000 पद पे जो ये भर्ती निकल के आ चुकी है, वो हमके लिए क्या क्या ज़रूरी है। पहले हमको जो 250 रुपये पे करना है, जो नॉन रिफंडेबल होगा। दोस्तों, इसके लिए एज लिमिट होगी 18 से 28 साल तक, जो कि 1992 से लेके 2002 के बीच में कराएगा। और इसके लिए एजुकेशन लेवल रहेगा दोस्तों सिर्फ 12वीं पास, जो कि हम किसी भी स्ट्रीम से कर चुके हैं, कर सकते हैं, जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कौन सी भी स्ट्रीम से हो दोस्तों। इसके बाद हो जो होगा महाराष्ट्र राज्य का अधिवास, यानी कि वो महाराष्ट्र राज्य का होना ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद हमें देखते हैं कि ये हमें कैसे सिलेक्शन करते हैं। जो सिलेक्शन इसकी तो 12वीं के गुण के ऊपर ही हमें सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि हमको 70 से ज़्यादा टक्के वाली होगी तो हमें इससे 50 गुण देंगे, और 60 से ज़्यादा होगी 40 गुण, 50 से ज़्यादा होगी तो 30 गुण, 40 से ज़्यादा होगी 10 गुण, और 40 से कम होगी तो 0 गुण मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों, इसके बाद हम आएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए, जो शारीरिक शासनी होती है। जैसे कि 1600 मीटर के रनिंग के लिए हमको 50 गुण मिलेंगे, जो कि हमको 5 मिनट 10 सेकंड में पूरे करने होते हैं। अगर हम 5 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा लेते हैं तो हमें 40 गुण मिलते हैं, और 5 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा लेते हैं तो 20 गुण मिलते हैं, और 5 मिनट और 50 सेकंड से ज़्यादा लेते हैं तो 10 गुण मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों, हमें 6 मिनट से ज़्यादा लेंगे तो हमें 0 गुण मिलेंगे। दोस्तों, इसके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होगी और वज़न 60 किलो होगा, और छाती न फूकता, यानी कि छाती न फूकता 79 सेंटीमीटर, और फुका कर 5 सेंटीमीटर बढ़ेंगी दोस्तों। इसकी मासिक आय होगी, जो कि हमें सैलरी मिलेगी दोस्तों 17,000 रुपये, और हमें 12% एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन मिलेगा, जो कि ये हमें EPF मिलेगा दोस्तों। इसको 10,000 रुपये अतिरिक्त हफ्ते के भत्ता मिलेगा, और हर साल एक न्यू यूनिफॉर्म मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम कैसे फॉर्म भरते हैं देखते हैं। इसके एक ऑफिशियल वेबसाइट दे चुका है, www.mahasecurity.gov.in। इस पे हम जाकर सारी डिटेल देख सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं, और ये 10/3/2020 तक लास्ट तारीख है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी तरह आपको नए नए अपडेट लाने के लिए और नए नए कोई और आइडिया लाने के लिए हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।